हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका। जैस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे शादी पार्टी स्टाइल में आलू फिंगर। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने इधर पे ले लिए हैं दो आलू। तो बड़े साइज के हमें आलू ले लेना है, उसे हमें छील करके तैयार कर लेना है। तो हमें छील करके उसे कंटेनर पानी में डालना है, क्योंकि काले पड़ जाएंगे आलू इसलिए। तो चलिए हम आलूओं को छील लेते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर जरूर करिए। तो चलिए आलूओं को हमें छील लेना है और इसे हमें पानी में डाल देना है। और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो हमें एक बाउल में ले लेना है पानी, उसमें आलू डाल लेना है। और आलूओं को अब हम कट कर लेते हैं। तो हमें फिंगर जिस तरीके से रहते हैं फ्रेंच फ्राइज, उसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है लंबे लंबे। तो हमें सबसे पहले इसके जो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है, हमें उसे कट करके अलग कर देना है, ताकि एक से साइज के फिंगर बन करके तैयार हों। तो ये देखिए मैंने काट दिया है। अब हमें इसे पतले पतले इस तरीके से कट कर लेना है और फिंगर के शेप में इसे काट लेते हैं। तो देखिए हमें एक से साइज के रखने हैं फिंगर, क्योंकि अगर हम मोटे पतले रखेंगे तो पकने में ज़्यादा वक्त ले लेंगे, कोई पकेगा या कोई नहीं पकेगा। इसलिए हमें सारे के सारे एक ही शेप में रखने हैं। देखिए एक ही साइज के हमें काट करके तैयार करना है। तो उससे एक से पक करके तैयार होंगे आलू फिंगर। तो देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे के सारे आलू फिंगर को कट कर लेते हैं। तो मैंने इधर पर दो ही आलू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और भी आलू ले सकते हैं, आपको जितने भी बनाने हैं, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलिए आलूओं को हमने काट लिया है। देखिए आलू को हम धो लेते हैं, उसके बाद हम इसे सुखाएंगे, क्योंकि हमें इसके भी गीले नहीं चाहिए आलू। तो हमें इस तरीके से सूती कपड़ा बिछाना है और उसमें डाल करके अच्छे से इसे सुखा लेना है। इसका एक भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉटन का कपड़ा लेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये सूखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है। पानी सूखने के बाद हमें डालना है इसे बड़े से बर्तन में। उसमें डालेंगे हम अजवाइन, थोड़ा सा डालना है काली मिर्च का पाउडर, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, कलर के लिए डाल रही हूँ हल्दी, आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से ना सारी चीज़ों को अब हमें मिला लेना है। तो देखिए हम शादी पार्टी स्टाइल में बना रहे हैं, तो हमें इसी तरीके से बनाना होगा। तो आप लोगों को अच्छे से मिला लेना है। और हमने इसमें अजवाइन डाली है तो ये काफ़ी हमारे पेट के लिए अच्छी होगी, पाचक के लिए हेल्पफुल होगी। तो बस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अरारोट। तो हम थोड़ा थोड़ा अरारोट करके इसमें डालेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, ताकि इसमें एक भी मॉइस्चर ना रह जाए। तब तक मिलाते रहना है तब तक आलू में एक भी पानी ना रह जाए, तब तक हम इसमें अरारोट मिलाएंगे। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए आलू में हम मिला लेते हैं अच्छे से अरारोट। तो ये देखिए मुझे अभी थोड़ा गीले और लग रहे हैं, तभी मैं थोड़ा सा और अरारोट डाल ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है, बहुत ही आसान है, जल्दी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हमने तेल गरम कर लिया है, उसमें हमें डाल देना है इस तरीके से और इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है। और फ्लेम को हमें रखना है हाई, क्योंकि अगर हम फ्लेम धीमी कर देंगे तो आलू में तेल जाने लग जाएगा अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ऑयली होने लग जाएंगे। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम में ही तलना होगा। तो ये देखिए हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे, ज़्यादा चिपकेंगे भी नहीं। मतलब काफ़ी समस्या होती है, आलू चिपक जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बस अच्छे से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। तो अगर आपको इसे और ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो आप इसे दो बार फ्राई कर सकते हैं। पहले हाफ फ्राई करिए, फिर इसे फुल फ्राई करिए। तो मैं एक ही बार में इसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमें अभी खाना है इसलिए। तो बस हम इसी तरीके से सारे के सारे आलू फिंगर फ्राई करके
निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे के सारे हमने फिंगर को फ्राई कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए हमने इसे सर्व भी कर लिया है, देखिए काफ़ी टेस्टी हैं, एकदम क्रिस्पी बनकर के तैयार हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। यदि आप लोगों को मोमोज की चटनी चाहिए है रेसिपी, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।